10 important questions of chapter 1 real numbers for the board exam 2021. Okay, the first question jo hamesha aksar pucha jata hai, find the HCF of two numbers by using Euclid's division lemma. Okay, now the solution 154 and 615. Okay, 615 using equal to the solution of question number 1. 615 equal to 154 multiplied by 3 plus remainder is 153 divided by 154 into 3 plus 153 using division lemma. Division lemma is A is equal to VQ plus R. Okay, where A is greater than the B. Next, 154 equal to 153 equal to divided by 153 is 1 time, remainder 1. Now 153 is divided by 1, 153 remainder is 0. Now the HCF is 153. यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज करके सॉल्व किए हैं HCF. पहले क्या किए, 615 बड़ा नंबर है, डिवाइड किए 154 से, डिवीजन कम्स टू 3 टाइम्स लाइक दिस 154 615. कम टू द डिवीजन इज 3 टाइम्स 462. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, यू विल गेट 153. And 154 was the 150. 1 is the remainder. Then 153 times comes to the table and remainder equal to 0. Now HCF is 1. अगर HCF 1 होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों numbers आपस में co-prime हैं. HCF of two numbers equal to 1, it means these numbers are co-prime. Next, 45 and 740. Now 740 divided by 45. 740 divided by 45. Now perform the division and you will get 45 multiplied by 16 times and remainder is 20. नाउ 45, अब 45 को किससे डिवाइड करेंगे, 20 से. 20 इंटू 2 प्लस 40 रिमाइंडर इज 5. फिर 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से. 5 फोर जा 20 प्लस 0, इट मीन्स रिमाइंडर इज 5. क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0. इसका मतलब HCF इज 5. यानी पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, फाइंड द HCF of the following numbers. Okay, now question number 2. Second question is tarike se bhi aa sakta hai. If D is the HCF of 45 and 27, find x and y. Satisfying this, D equal to 27x plus 45 y. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D is the HCF. सबसे पहले find करेंगे HCF of these two numbers. किसका HCF निकालना है हमको, 45 and 27. ओके, नाउ 45 27 बन जाए 27 प्लस 18. अगेन 27 इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 9. और अब 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से. तो यहां पर HCF क्या आ गया, 9 आ गया. अब HCF 9 है तो इस इक्वेशन में डालना है 9 इक्वल टू 27x प्लस 45y. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 27 इंटू 2 इज 54 प्लस 45 इंटू माइनस 1. इट मीन्स 54 माइनस 45 इज 9. तो 54 माइनस 45, हियर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1. ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
थर्ड आता है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561 एंड 748। तो ज्यादा देर सोचने का नहीं है कि हम लोग इससे किससे दोनों को काटेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं पता चलता है कि नंबर किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका, HCF, HCF ऑफ 561 एंड 748 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी कैन फाइंड 561, सभी को आना चाहिए डिवीजन, ये निकालना 187। नाउ अगेन डिवाइड करेंगे 187 थ्री टाइम्स 561, इट मीन्स 187 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। आप अगर अपने से सोचेंगे तो इस तरीके से नहीं पता चलेगा कि इसको किससे काटना है। तो बेस्ट वे है पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें और उसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जैसे 561 बाय 748 डिवाइडेड बाय HCF इज 187। न्यूमिरेटर और दोनों डिनोमिनेटर को किससे काट डिवाइड करेंगे, HCF से। तो ये जाएगा थ्री टाइम्स और ये जाएगा फोर टाइम्स। नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म इज दिस 3/4। सबसे इजी मेथड है सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए, HCF निकालें और HCF से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दें। क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 853 एंड 385 लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर मीन्स HCF बट रिमाइंडर इज 7। तो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर इन बोथ नंबर्स, दोनों में से क्या माइनस करेंगे, 7। तो 853 माइनस 7 इज 846 एंड 385 माइनस 7 इज 378। और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF। तो वी कैन फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड और द यूक्लिड्स मेथड। बाय 378 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 90। नाउ 378 इक्वल टू 94 जा 360 प्लस 18 एंड 90 इक्वल टू 18 5 जा 90। नाउ HCF इज 18। ये भी क्वेश्चन है इस तरीके का कि पहले रिमाइंडर्स को माइनस करने के बाद HCF निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट HCF ऑफ 81 एंड 54 इज 27, फाइंड LCM। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक या दो नंबर में आता है, तो इसको क्या करेंगे, LCM। LCM निकालने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। फर्स्ट नंबर इज 81 इंटू 54 डिवाइडेड बाई HCF। 27 टू ज 54 नाउ मल्टीप्लाइड, द LCM इज 162। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और आता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6, वाई 17 प्लस 18 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इज ए कंपोजिट नंबर। ये एक कंपोजिट नंबर क्यों है, या कंपोजिट होता है या नहीं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 17 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 11 इंटू 13 इंटू 19। ओके, नाउ 17 इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाई 11 13 इंटू 19 यू विल गेट 2717। इट मीन्स 17 इंटू 2718। यहीं से पता चल रहा है कि एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं 1 एंड इट सेल्फ के अलावा, लेकिन आगे भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2718 को, तो यू विल गेट 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 151। आप आराम से लिख सकते हैं, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल 69/60 रिप्रेजेंट। इस तरीके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, इस जगह कुछ भी आ सकता है। दूसरा, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कितनी डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा यानी खत्म होगा।
तो देखिए पहले का जवाब देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो जब भी हमको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं, थ्री से काटेंगे, जिससे भी कटेगा इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 5। ओके, तो यू कैन राइट 23 2 raised to power 2 × 5। अब इसने पूछा है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, तो यहां पर हम लोग को देखना होता है कि 2 और 5 में जो भी मैक्सिमम पावर होती है, ये क्वेश्चन होता है 2 की पावर m इस तरीके से। अब इसमें अगर m बड़ा है तो m times m के बाद में m प्लेसेस के बाद होगा टर्मिनेट, ओके, और अगर n बड़ा है तो n प्लेसेस, क्लियर, दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसी के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो यहां पर क्या बड़ा है, 2, तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 decimal places, क्लियर। जो भी इन दोनों की पावर में बड़ा होगे उतनी ही उसके बाद टर्मिनेट होगा, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2 और 5 आ रहा है, इट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके, दो तरीके का क्वेश्चन आता है, एक तो टर्मिनेट है या नहीं और दूसरा कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे ये हमको लिखना पड़ता है। कोई भी नंबर देंगे उसके प्राइम फैक्टर्स, या तो प्राइम फैक्टर्स का सम पूछ लेते हैं या कुछ भी पूछते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 5005 हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी पता चलेगा कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो नाउ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 5 1001, नाउ इट विल बी डिविजिबल बाई 7 7 7 7 7 3 21, नाउ फ्रॉम 11 एंड 13 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज 5 × 7 × 11 × 13। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, द आंसर इज 4 prime factors। ओके, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स पूछा उसने, इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। यहां आंसर देंगे तब जाके आपको मार्क्स मिलता है, अगर अधूरा छोड़ाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ दैट 2 − 3√5 इज इरेशनल, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, या तो कहेगा प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल, या फिर इस तरीके से देगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, एकदम आसान मेथड से, लेट 2 − 3√5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, इसको पहले हम लोग क्या मानेंगे, इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, नाउ यहां लिखेंगे p and q आर इंटीजर्स, ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तभी रेशनल बनता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं है और यह है। नाउ इफ −3√5 इक्वल टू p/q − 2, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। नाउ 3√5 2 − p/q, नाउ सॉल्व 2q − p/q, ये भी एक रेशनल नंबर है। नाउ √5 इज इक्वल टू 2q − p/3q, दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, लिखेंगे 2q − p/3q इज ए रेशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, बट या लिखेंगे बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हियर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज द रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर
टू माइनस थ्री रूट फाइव इज एन, टू माइनस थ्री रूट फाइव इज इरेशनल। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही है, इसीलिए जितना भी प्रूफ है इरेशनल नंबर्स वाले वो आपको आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, कैपिटल एन, वेयर 7 raised to power n एंड्स विद द डिजिट 0। ये कोई भी क्वेश्चन यहां आ सकता है, 7 raised to power n, 6 raised to power n, 4 raised to power n, ये इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिजिट 0 पर एंड होगा या नहीं। सॉल्यूशन सभी का एक तरीके का है। देखिए, फॉर यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 0, मान लेते हैं अगर यूनिट डिजिट 0 आएगी, 7 raised to power n शुड हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए, 7 को फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 1 into 7, दिस इज ए प्राइम नंबर। यहां 2 and 5 होने चाहिए, बट 7 raised to power 5 डज नॉट कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। इतना लिखना पड़ेगा, होना चाहिए 2 and 5 को, लेकिन यहां पर 2 and 5 नहीं है, या कोई भी नंबर आएगा। Hence, 7 raised to power n will not end with the digit 0, for n is a natural number. N belongs to natural number capital N. अगर यहाँ पर 6 raised to power n होता, तो भी आप क्या करते, 6 के फैक्टर क्या होते, 2 into 3, तब भी यही लाइन लिखते कि 6 raised to power n should have 2 and 5 as its prime factor, but 6 raised to power n does not contain 2 and 5 as its prime factors. Same question. And same 6 raised to power will not end with the digit 0. आंसर यही रहेगा, सिर्फ आप यहां पर इस डिजिट के हिसाब से उसके प्राइम फैक्टर्स को बता देंगे। यही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। ओके?